वट मेक्स चाइनीज ई स्पोर्ट्स हैव मोर पॉपुलैरिटी कम्पेयर टू इंडिया? भाई वहाँ पे देखो ना कितना स्टेबल है, मतलब आप ई स्पोर्ट्स सीन देखो वहाँ पे, फर्स्टली ई स्पोर्ट्स सीन ऑलरेडी डेवलप है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे। मे बी शायद हो सकता है कोर्सेज भी हो, स्कूल में भी ई स्पोर्ट्स के बारे में बताया जाता हो, तो स्टार्टिंग से एक एक बोल सकते हो ना आपकी बच्चे को पता है कि ई स्पोर्ट्स नाम की भी चीज़ होती है, इसमें ऐसा ऐसा होता है, ये चीज़ होता है, तो वहाँ से चीज़ें डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है, समझ रहे हो। और दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ का ई स्पोर्ट्स है, या मैं बोल लूँ आपका, आप यही ले लो गेम फॉर पीस ले लो, जो पीएल आप देख रहे हो, जो इनका पबजी मोबाइल बोल लो, दैट इज़ टू स्टेबल, कितने सारे स्पॉन्सर्स है, सारी चीज़ें बढ़िया है जो एक अच्छे स्पोर्ट्स को लॉन्ग रन करने के लिए चाहिए होती है, चलाने के लिए। ऑडियंस परस्पेक्टिव में ये फन इवेंट्स करवाते हैं, जो समझ रहे हो, ऑडियंस को सस्टेन मतलब रिटेन करने के लिए किस तरीके से ऑडियंस ना जाए, जो जो ऑडियंस बड़ी हो रही है उनके लिए चीज़ें, बीच में टूर्नामेंट्स लाना, स्ट्रक्चर इतना प्यारा है इनका यार, कोई छोड़ के भी कैसे जाएगा। आप समझ लो वैसे स्टार्ट हो गया है पीएल में, वही देख लो ना यार कि हम ही 4-5 साल से देख रहे हैं यार पीएल, शायद इतना टाइम हो ही गया होगा, कितने साल हो गए हैं, तो हमको ये चीज़ अभी भी अच्छी लग रही है जो उस टाइम पे अच्छी लगती थी, तो इन्होंने हमारे को उस तरीके से, हम चाहे प्रोडक्शन की तरफ से बोल लो या कंपटीशन बोल लो या इनके रूल्स बोल लो, सस्टेन करके रखा है ना इन्होंने, बस वही चीज़ है ऑडियंस को किस तरीके से अपने पास रखना एकजुट करके, वो इनको अच्छे से आता है। सोल की मिलना तो प्रॉमिसिंग लग रही है। स्किप्स इज अ वेरी गुड प्लेयर, स्वामी इज अ वेरी गुड प्लेयर। जब बात आती है सोलो या डुओ चिकन निकालने की, माने एंड टीम इज ऑन टॉप। तो इट्स नॉट अबाउट सोलो चिकन, इट्स मोर अबाउट सर्वाइवल। एंड उस चीज में हमने देखा है कि माने एंड द बॉयज, मतलब बेसिकली कॉल इट नकुल, ही हैज बीन यू नो वंडरफुल इन दिस। भाई वो लौंडा अगर अकेला बच गया तो वो लौंडा गेम नहीं बना देगा तुम्हारे लिए, बिकॉज आई तो बिलीव इन मान्या बाबा। मेरे को भरोसा है कि लौंडा क्रेजी कुछ करेगा। ठीक है, निंजा टाइम में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, पीपल ट्रोल्ड मान्या अलॉट, बट आई हैव हाई होप्स विद मान्या भाई, सच बता रहा हूँ।